हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे रूबिक क्यूब को सॉल्व करना इजी मेथड में। और आप यकीन नहीं करोगे, इस मेथड से बिगनर भी इजीली से सीख सकता है। चलते हैं वीडियो के फर्स्ट चैप्टर पे। ये है हमारा रूबिक क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि ये अनसॉल्व पजल है। इसके कलर ऑलमोस्ट सारे के सारे अनमैच है। इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे वाइट कलर से। अब वाइट कलर, अब आपको पहले तो मैं पिरामिड बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इस वाइट को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सेंटर में वाइट है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो हम इन सभी बॉक्स को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे ये बॉक्स सॉल्व हो जाता है, उसके बाद हम ये नीचे के लेयर को सॉल्व करेंगे। जब ये नीचे का लेयर सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा ऊपर का लेयर। ऊपर का लेयर जब सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा टॉप लेयर। टॉप लेयर हमारा येल्लो होता है, तो हम येल्लो को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा येल्लो सॉल्व हो जाता है, उसके बाद हम इस लास्ट फाइनल स्टेज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारा वाइट कहाँ कहाँ पर है। हमारा वाइट देखा जाए तो हर एक बॉक्स में एक एक वाइट हमारा अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड ये है कि हमें सबसे पहले तो इस वाइट में प्लस साइन क्रिएट करना होगा। इस तरीके का प्लस साइन, जब ये प्लस साइन क्रिएट हो जाएगा तो समझ लो कि आपने सॉल्व करने की शुरुआत कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसे प्लस साइन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसका सबसे इजी मेथड ये होता है कि हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लाके पहले हम इन चारों बॉक्स में एक एक वाइट साइन का लेके आए। तो कैसे करेंगे हम, आइए पहले ये देखते हैं। अभी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसका, तो इसे हम पहले घुमा लेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद हमारा सेकेंड क्या है, हमारा सेकेंड ये है, हमें इसे ऊपर लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में लेंगे, फिर इसे घुमा देंगे, फिर इसे ऐसे कर देंगे, फिर इसे घुमा देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से ला देंगे। तो ये हमारा ऊपर का दो कलर हो गया। उसके बाद होता है हमारा तीसरा कलर, वो है यहाँ पे, इसे सिंपली हम ऊपर कर देंगे। ये हो गया हमारा एक लास्ट कलर बचा है, वो यहाँ पर है। तो इस कलर को हम लाने के लिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस साइन। जब ये प्लस साइन क्रिएट हो जाता है, तो हमें सिंपली सेकेंड स्टेज जो होता है वो इस कलर को मैच करना होता है। इस कलर को कैसे मैच करेंगे, सिंपली इजी है, ऐसे करेंगे, इसे मैच कर लीजिए। जब ये मैच हो जाता है, इसे नीचे घुमा दीजिए वाइट के पास, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ये तीन फॉर्मेशन हो गया, एक दो और ये तीन, ये तीन फॉर्मेशन हो गया। सेम इसी तरीके से आप इसे करना है, इसे घुमा दीजिए। तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मेशन, ठीक है। रेड तो ऑलरेडी फॉर्म है, इसे बस घुमा दीजिए। ये हो गया हमारा रेड फॉर्मेशन, इसे हमें घुमा दीजिए इस तरीके से। ये हो गया हमारा वाइट फॉर्मेशन, घुमा दीजिए, ठीक है। अब देख सकते हैं कि हमारा वाइट ऑलमोस्ट ये वाला जो लिंक हो चुका है, वाइट बॉक्स भी आ चुका है, प्लस साइन भी हो चुका है, यानी कि ये करेक्ट है। चलिए अब ये देख सकते हैं कि हमारा ये ऑलरेडी फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है, ये ऑलरेडी फॉर्म है। अब हमें देखना है कि ये कौन सा कलर है, ब्लू रेड, ब्लू रेड ऑलमोस्ट ये सही जगह पे, मतलब यानी कि ये पोजीशन इसके लिए ही बना है, तो ये पोजीशन सही है। अब इसे सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले राइट हैंड का राइट साइड को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है।
वन, अपर साइड का क्लॉकवाइज टू, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये सेम आपको रिपीट करना है जब तक ये यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठ जाता है इस तरीके से। जब इस पोजीशन में आ जाता है तो समझ लो कि आपको ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। देखिए ये मेरा सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। अब इसका पोजीशन नीचे है तो आपको जो हमने क्लॉकवाइज बताया था सिर्फ वही एक फॉलो करना है इस तरीके से, दैट्स इट, छोड़ दो इसी पे। अब हमें देखना है कि इसको इस पोजीशन पे लाइए, ऑरेंज और ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज और ब्लू का है, ऑरेंज ऑरेंज और ब्लू। अब ये इस पोजीशन पे है, आपको सिंपली एक स्टेप करना है बस, दैट्स इट, हो गया। तो मेरा नीचे का ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुका है, एक ही बचा है, इसे इस पोजीशन पे लाइए, क्योंकि ये रेड है, रेड है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, यहाँ पर है, सेम उसी तरीके से फॉलो करना है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये आ गया अपने पोजीशन पे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मेरा नीचे का लेयर सॉल्व हो चुका है, वाइट भी हो चुका है, तो हमारा ये दोनों स्टेप क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हमें मिडिल लेयर पे आना है, इस लेयर को हमें सॉल्व करना है। इस लेयर के सिर्फ कॉर्नर्स हमारे रह गए हैं, बाकी तो सब सॉल्व हो चुका है। इस कॉर्नर को सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन सा बॉक्स है जिसमें येल्लो कलर नहीं है। तो येल्लो कलर हमारा एक ही बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, बाकी सब में येल्लो कलर है, एक यही है जिसमें येल्लो कलर नहीं है। तो हम इसे पहले अरेंज करेंगे, अरेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऑरेंज लेफ्ट साइड में है कि ऑरेंज राइट साइड में है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे तो रेड है, यहाँ पे ऑरेंज है, तो हमें इसको इस पोजीशन पे सेट करना है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के एल्गोरिदम हम यूज करेंगे, एक लेफ्ट हम इसमें दो टाइप के एल्गोरिदम सेट करेंगे, एक तो है लेफ्ट और एक तो है राइट। अभी इसमें जो एल्गोरिदम हम फिट करेंगे वो है लेफ्ट साइड का, क्योंकि हमारा ऑरेंज जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के लिए हम करेंगे रिवर्स, और रिवर्स को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ऊपर साइड को हम पहले रिवर्स करेंगे। हर एक स्टेप में सबसे पहले ऊपर साइड को हम रिवर्स करेंगे, ये हमारे एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे हम राइट करें चाहे हम लेफ्ट करें, स्टार्ट करना है हमें अपर एल्गोरिदम से, अपर से हम शुरुआत करेंगे। अगर लेफ्ट है तो हम इसे रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, उल्टा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हमें यहाँ सेट करना है। तो रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। देख सकते हो हमारा यहाँ पे सेट हो गया। आइए हम फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। हमारा ये दोनों कलर देखिए स्विच हो चुका है, ऐसा होना चाहिए था, ये इस तरीके का है, ये भी इस तरीके से होना चाहिए, बट ऐसे। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, सबसे पहले हम वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
रिप्लेस करेंगे, इसको इससे रिप्लेस करेंगे, इसको इससे रिप्लेस करेंगे, ताकि ये हमारा ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एल्गोरिथम अपने यूज़ करना है। पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स रिवर्स, देन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सेम गोज़ टू, अभी हमने क्लॉकवाइज किया तो इसी को रिपीट करेंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए अब ये हमारा कहाँ चलेगा, यहाँ पे आ गया है। अब इसे हम अरेंज करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये अरेंज हो गया है, ठीक है। अब हमें इसे रेड की तरफ डालना है, रेड हमारा लेफ्ट में है, लेफ्ट में हमें यहाँ पे डालना है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे क्योंकि लेफ्ट एल्गोरिथम चालू है। लेफ्ट एल्गोरिथम से हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 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 के लिए फेस पे, फिर एंटी क्लॉकवाइज फेस पे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हमारा एक ही बचा है, ये भी हमारा रेड और येल्लो के बीच में, तो हमें इसे रिप्लेस करना है यहाँ पे, या फिर हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसे तो हमें इससे रिप्लेस करना है, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो हम इसे अरेंज करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमें हमें राइट वाला क्लॉक राइट वाला चेक करते हैं कैसे करते हैं। राइट वाले में क्या है, हमें सीधे से उल्टा जाना है। सीधा कैसे है, सीधा सीधा उल्टा उल्टा। अब ये उल्टा मेरा स्टॉप हुआ है तो फेस पे भी उल्टा होगा, उल्टा उल्टा। अब ये सीधा करना है, सीधा सीधा। अब देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पे आ चुका है रेड और ये। अब हम इसे अरेंज करेंगे, अरेंज हो गया है, रेड यहाँ पर है, ठीक है। हमें इसे इस बॉक्स में डालना है, तो हम क्या करेंगे, राइट एल्गोरिथम यूज करेंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है। देख सकते हैं हमारा दोनों क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो हमारे दो लेयर तो हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो प्रोसीजर होता है वो है अपर फेस, हमें इससे येलो से प्रॉपरली अरेंज करना है। अब इसे अरेंज करने के सिर्फ दो ही एल्गोरिदम है, उस दो एल्गोरिदम में हमारा ये अपर का जो येलो है ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो देखना है कि ऊपर का पैटर्न को हमें प्लस करना है। अब ऊपर का पैटर्न प्लस कैसे होगा, पैटर्न को प्लस करने के लिए हमें एल्गोरिदम यूज करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ उसका एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहले तो हमें फेस को क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर अपर को क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर राइट साइड को क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर उसके बाद इसी का क्लॉकवाइज को हमें रिवर्स करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं हमारा ऊपर का सॉल्व हो गया है, प्लस साइन आ चुका है। इसी तरीके से हमें रिपीट करना है, अगर ये प्लस साइन नहीं आता है, अभी तो हमारी लाइन में एक ही बार में प्लस साइन आ गया है, अगर ये प्लस साइन आ जाता है तो यानी कि आपका ऊपर के लिए पहला एल्गोरिदम सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड एल्गोरिदम जो ये है कि हमें यहाँ पे इसे पूरा सॉल्व करना है सिर्फ एक ही एल्गोरिदम में, तो आइए उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये प्लस साइन और ये किस डायरेक्शन में है, हमें कोशिश करना है कि जब इस तरीके का पैटर्न आता है तो हमें इसे हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ रखना है, लेफ्ट साइड। और हम अभी एल्गोरिदम लगाएंगे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद हमें क्लॉकवाइज ही चलना है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब ये दो पैटर्न यहाँ पे आ चुका है वाइट, अब इसे हमें फेस को दो बार घुमाना है, एक दो, ये आ गया मैच हो गया। अब इसे रिवर्स कर दीजिए, देखिए
हमारा अपर का केस सॉल्व हो चुका है। सो सिंपल है। अब ये जब सॉल्व हो जाता है तो इसके बाद हमें, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसे सॉल्व करना। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इस ट्यूबलाइट को देखेंगे। ये जो मैचेस है इसे ट्यूबलाइट कहते हैं। इस ट्यूबलाइट को पहले हम उसके पोजीशन पर रख देंगे। इस ट्यूबलाइट का पोजीशन यहाँ पर है, इस तरीके से। अब हमें इसे मैच करना है। जब तक ये ट्यूबलाइट क्रिएट नहीं होता है तब तक हमें उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है जो मैं अभी सेकेंड लास्ट स्टेप में बताऊँगा। तो हमें ये ट्यूबलाइट क्रिएट करना है। अभी तो फिलहाल एक ही में ट्यूबलाइट क्रिएट हुआ है, बट ये ट्यूबलाइट हमें सभी में क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम यूज करना है। एल्गोरिथम हम इस तरीके से यूज करेंगे, रिवर्स फेस रिवर्स बी टू राइट रिवर्स रिवर्स बी टू और फिर इसे नीचे। देख सकते हैं हमारा ये सॉल्व हो गया है और ये अपनी अपनी जगह पे आ चुका है, 1 2 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के, जैसे कि हमारा ट्यूबलेट क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हमारे ट्यूबलेट क्रिएट हो जाता है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लास्ट एल्गोरिथम यूज़ करना है। लास्ट एल्गोरिथम कुछ इस तरीके का होता है। पहले तो हमें जो फेस क्लियर हो गया है या जो भी अगर जो आपको लग रहा है कि ये क्लियर हो गया है तो उसको पीछे रखिए। नहीं क्लियर हुआ है तो आप कोई भी साइड को आप पीछे रख सकते हैं, बट अगर ये मेरे फेस में ये पीछे का क्लियर हो चुका है तो मैं इसे पीछे रखूँगा। अब मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊँगा, F2 दो बार ऊपर, एक बार ऊपर का, फिर इसे हम रिवर्स करेंगे, इसे हम रिवर्स करेंगे। अब सेम तरीका हम लगाएंगे, एक बार ऊपर, दो बार ऊपर, फिर इसे हम ऊपर करेंगे, इसे हम ऊपर करेंगे, एक बार इसे घुमा देंगे और इसे नीचे कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा क्यूब सॉल्व। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आप इसे ट्राई कीजिए अपने एंड से। आपको मैं फिर से एक बार वो लास्ट एल्गोरिथम फिर से आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ। आपको राइट साइड का और फेस पे ध्यान देना है। फेस को हम दो बार घुमाएंगे, एक इस तरीके से, फिर बाद में ऊपर को एक को घुमाएंगे, फिर इसको रिवर्स, फिर इसको रिवर्स, सेम वापस से हम ट्राई करेंगे। इसको दो बार घुमाएंगे, फिर इसको ऊपर, फिर इसको ऊपर, फिर इसको ऐसे और ये नीचे। देखिए हमारा लास्ट पोजीशन आ गया है। ठीक है, हम फिर से ट्राई करेंगे। इसको हम पीछे रखेंगे, फेस पे दो बार घुमाएंगे, ऊपर को एक बार घुमाएंगे, इसको नीचे, इसको नीचे, फिर से फेस को दो बार घुमाएंगे, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको एक बार घुमाएंगे, फिर इसको नीचे। देख रहे हो, इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। इसको दो बार घुमाएंगे, इसको एक बार घुमाएंगे, इसको रिवर्स, इसको रिवर्स, फिर से इसको दो बार घुमाएंगे, इसको ऊपर करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ये लाइन फॉर्म होने के बाद इसको नीचे। हमारा क्यूब सॉल्व। बहुत इजी है गाइस, आप भी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको क्या नहीं समझा। मैं आपको वीडियो फिर से लाऊंगा आप लोगों के लिए ताकि हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।